नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला के आज के इस वीडियो में और मैं हूं अनामिका सिंह। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड जगत की खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। अब नया साल नजदीक है तो आपको बताते हैं कि 2024 में रिलीज होने जा रही उन धमाकेदार अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो ना सिर्फ आपस में क्लैश करेंगी बल्कि बॉक्स ऑफिस पर बवाल भी मचाएंगी। बता दें, द क्रू करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन की शानदार टिकड़ी को दर्शक पहली बार एक साथ स्क्रीन पर देखने का मजा ले सकेंगे। ये फिल्म मार्च 2024 में रिलीज होने जा रही है। दूसरी फिल्म चंदू चैंपियन, कार्तिक आर्यन की ये फिल्म चंदू चैंपियन जुलाई 2024 में रिलीज होने जा रही है। तीसरी पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन की बेहद पसंद की गई फिल्म पुष्पा का स्वीकल भी 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने जा रहा है। सिंघम अगेन 5 अगस्त 2024 को एक बार फिर दर्शक अजय देवगन के सिंघम अवतार से रूबरू होंगे। सिंघम अगेन में अजय के साथ टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के अलावा दीपिका पादुकोण और करीना कपूर जैसे सितारे स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। एक्ट्रेस अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। फिलहाल एक्ट्रेस क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियों में बिजी हैं और ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तस्वीर शेयर कर अपनी क्रिसमस तैयारियों की झलक फैंस के साथ शेयर की है। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक तस्वीर शेयर कर खुलासा कर दिया है कि उन्होंने उनके डार्लिंग हस्बैंड निक जॉनस ने क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी है। तस्वीर में कांटिको एक्ट्रेस ने अपने घर के फायरप्लेस कॉर्नर की तस्वीर शेयर की है जिसमें देखा जा सकता है कि फायरफ्लैक्स कॉर्नर को लाइट्स, बबल्स, होली और आईवी से डेकोरेट किया गया है और साथ में सेंटा की रेड कलर के सॉक्स भी लटकाए गए हैं। इसके अलावा फोटो में फ्लावर पॉट भी रखा हुआ नजर आ रहा है। फोटो शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा ग्रेटफुल। श्याम बहादुर एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा इन दिनों अपनी बहन शगुन की शादी को लेकर खूब चर्चे में रही। सानिया ने शादी की कई सारी तस्वीरें शेयर की जिसमें वह खूब एंजॉय करती हुई दिख रही है। वहीं अब एक्ट्रेस ने भावुक कर देने वाला एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वह काफी इमोशनल होती हुई नजर आ रही है। शादी के एल्बम्स में से सानिया ने एक विदाई की फोटो भी शेयर की है जहाँ वह अपनी बहन को गले से लगकर फूट फूट कर रो रही हैं। वहीं एक्ट्रेस ने बारात के दौरान का भी कुछ तस्वीरें दिखाई हैं जहां खुशी के आंसू उनकी आंखों में साफ झलक रहे हैं। वहीं तस्वीरों को शेयर करते हुए सानिया ने कैप्शन में लिखा कि दुल्हन की इमोशनल सिस्टर। वहीं हल्दी सेरेमनी के दौरान भी सानिया अपने इमोशनल रोक नहीं पाई और रो पड़ी। सानिया ने अपनी बहन की हल्दी की एक फोटो शेयर की जिसमें वह रुमाल से अपने आंसू पोंछती हुई नजर आ रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली की शादी को बीते दिन 6 साल हो गए थे। कपल के इस खास दिन पर उनके दोस्तों और तमाम फैंस ने उन्हें जमकर विश किया। वहीं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भी अपनी छठी वेडिंग एनिवर्सरी को खास अंदाज में ही सेलिब्रेट किया। पावर कपल ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की प्यारी तस्वीरें अब फैंस के लिए सोशल मीडिया पर शेयर की। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने फाइनली अपनी छठी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी सालगिरह की पार्टी की एक तस्वीर शेयर की है। फोटो में अनुष्का ब्लैक शोल्डर लेस ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही है। वहीं उनके पति विराट कोहली भी उनसे ट्विनिंग करते हुए फॉर्मल में काफी हैंडसम लग रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए अनुष्का ने बताया कि उन्होंने अपना स्पेशल डे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ बिताया। रणवीर कपूर की एनिमल का धुआंधार प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर जारी है। ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है और तमाम रिकॉर्ड भी ब्रेक कर रही है। फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर तो इतिहास ही रच दिया और सेकेंड संडे एनिमल ने आमिर खान की दंगल तक का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। चलिए यहाँ जानते हैं कि रणवीर कपूर के फिल्म ने रिलीज के 11वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। अब फिल्म की रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एनिमल ने रिलीज के 11वें दिन यानी सेकेंड मंडे को 13 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म की 11 दिनों की कुल कमाई अब 443.27 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। ऐसे बॉलीवुड खबरों के लिए जुड़े रहें अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।